Sebastian sir, you can begin. Okay, your time starts now. Good evening, my student. Good evening, sir. Good evening, my student. Good evening, sir. Today is my topic, attitude. So in this time, going to discuss about artist attitude. शुरू कीजिए। ओ कर दिया मैंने सर। आई एम सॉरी। कितने लोग एक ही चीज पे विश्वास करते हैं कि हाँ हमारे पास 100% एटीट्यूड होनी चाहिए। एटीट्यूड क्या होता है सर? एटीट्यूड हिंदी क्या होता है सर? हिंदी में था। एटीट्यूड नहीं समझ आ रहा सर। एटीट्यूड जस्ट लाइक यू कैन से थिंकिंग पावर, सोचने समझने की कैपेसिटी, ठीक ना? सभी लोग हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज के बारे में तो वैसे हम लोग उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक ना? यस सर। पहला है कि पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव और दूसरा चीज निगेटिव। एटीट्यूड आर डिपेंड ऑन थ्री पॉइंट। एटीट्यूड जो है कि तीन पॉइंट पे डिपेंड करती है, ठीक ना? फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन एंड सेकेंड इन्वायरमेंट, सेकेंड इज इन्वायरमेंट एंड थर्ड इज एक्सपीरियंस। एन्वायरमेंट, हाँ, इन्वायरमेंट एंड थर्ड इज एक्सपीरियंस। एक देखा गया कि मैंने अपने आंखों से देखा है कि हमारे लॉकर में, हमारे लॉकरिटी में एक ऐसे पर्सन थे जिनके बेटे, उनको पढ़ाई लिखाई में कोई मन ही नहीं लगता था। वो पढ़ने लिखने में एनी टाइम जो है कि अपना टाइम, सारा टाइम जो है कि वेस्ट करते थे क्रिकेट खेलना। उनके पापा उसको बहुत समझाते थे कि अपना टाइम क्रिकेट में मत वेस्ट करो। तो उसका पापा एक दिन सोचे कि क्यों नहीं इसको हॉस्टल में डाल दिया जाए। तो एक दिन उसके पापा ने उसे एक हॉस्टल में ले जाकर ड्रॉप आउट किया। फिर वहाँ जाकर उन्होंने वह स्टूडेंट, वह बच्चा देखा कि हॉस्टल में और जो सारे स्टूडेंट हैं वो समय से उठते हैं और समय से सारा काम करते हैं। तो पढ़ने देख रहा था लेकिन पढ़ने में उसकी कोई भी रुचि नहीं लग रही। लेकिन एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा दिन आया जब वह बच्चा फिर से क्या हुआ कि अदर बच्चे की तरह ही समय से उठने लगा, समय से आकर सारा टास्क करने लगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक परिवर्तन हुई। यहाँ पे क्या हुआ कि वो बच्चा जो पढ़ने में उसका ध्यान नहीं जाता था, और एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट मिला उसे, और उस इन्वॉल्वमेंट के अनुसार क्या हुआ कि उसमें परिवर्तन आई। तो हम लोग जो चीज भी सोचते हैं या तो पॉजिटिव वे में सोचते हैं या निगेटिव वे में सोचते हैं, ठीक ना? तो ऑलवेज हमें जो है कि पॉजिटिव वे में ही सोचना चाहिए। और पॉजिटिव वे में अगर नहीं सोचेंगे तो किसी भी चीज़ को पाने में सक्सेस नहीं करेंगे। तो ऑलवेज हमें पॉजिटिव सोच की ओर जानी चाहिए, नहीं निगेटिव की ओर जाना चाहिए। सो अभी हम लोग जो सीखे कि एटीट्यूड जो है कि थ्री पॉइंट पे निर्भर करती है, थ्री पॉइंट पे डिपेंड करती है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो है कि यह हमारे थिंकिंग को भी बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस को भी बताती है कि हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या है। ऐसा चीज जो है कि एटीट्यूड से।